विनिक्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे। सीधी खीति रविवार कहा जाता है कि फुल लॉकडाउन है, किंतु आज सीधी माँ रविवार का दुई कोरोना के पॉजिटिव संक्रमित पाए गए हैं। अपना पंचन का बताया दी कि पहल संक्रमित जो पाई गई है वो महिला ही और संविदाकार जो जिला पंचायत के पीछे 35 वर्षीय युवक पाए गए रहे उन्हें के धर्मपत्नी आई और दूसर जो रिपोर्ट ही वह रीवा से देर रात आई रिपोर्ट जो है कोरोना संक्रमित पाई गई है 48 साल के महिला जौन पटपरा के निवासी आई और पटपरा माँ के कमरजी थाना अंतर्गत उनकर निवास स्थान है। अपना पंचन बता दी कि बीते 11 जुलाई का सीधी के फीवर क्लिनिक में अपन जांच करवाए रही जिनकर सैंपल रीवा भेज दिन का रहा और आज दिनांक 19 जुलाई का वह सैंपल की रिपोर्ट आई है। लगभग 8 दिन बाद वह रिपोर्ट जो है आज आई है जौने माँ कोरोना संक्रमित पाई गई है। सीधी माँ अब कुल कोरोना संक्रमित संख्या 52 हो गई ही, एक्टिव केसन के संख्या 19 हो गई ही और कंटेनमेंट जोन हो गए हैं 24 और नगर पालिका क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन 11। मतलब अब बेहद सतर्क हो के बात ही काहे कि कोरोना अब तेजी से पैर पसार रहा है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी से जब यह बारे में बात की गए आज के द्विकेशन के बारे में तो उनके द्वारा साफ तौर पर चिंता जाहिर की गए और यह बात कह दी गई ही कि अब सामुदायिक संक्रमण के ओर सीधी माँ कोरोना बढ़ रहा है। काहे कि एक व्यक्ति के से संपर्क में आवे वाले दूसर व्यक्ति का बहुत जल्दी कोरोना संक्रमित हो जा लागे, जैसा कि उनके द्वारा उदाहरण दीनगा बघाऊ के चोरहट के बघाऊ के कि एक व्यक्ति से 3 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं। यह में कलेक्ट्रेट में पदस्थ टाइपराइटर के संपर्क में पूरा परिवार आवा और जौने माँ उनकर बच्चा उनकर मतलब धर्मपत्नी उनकर माता जी उनकर लड़का उनकर बिटिया मतलब पूरा घर जो है संक्रमित भा। यह दौर माँ अब प्रशासन बेहद सतर्क हो चुका है और कोशिश यह कह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट हिस्ट्री खगाली जाए और जल्द से जल्द जो है जांच के प्रक्रिया जारी हो। काहे कि जितनी जल्दी जानकारी हुई उतने जल्दी इलाज हुई नहीं था, यदि फेफड़ तक संक्रमण पहुंच गया तब फिर बेहद जो है खतरनाक हो सका थी यह कोरोना। काहे कि लोग जो है कोरोना का बेहद हल्के से ले रहे हैं। हालात यह है कि बाजार या फिर गांवन के हालात देखे जाएं तो मास्क मतलब मजाक बन चुका है। कंटेनमेंट तो पहले मजाक रहबे भा, अब मास्क जो बेहद अनिवार्य है वह मजाक बन के रह गया है। लोग गुटकी में लटका ले थे न कुआ बहिरे कह ले थे, तो मास्क लगावे के सही तरीका यह है कि नाक से पूरा मुंह कवर हो चाहिए, नहीं तो संक्रमण के जो कहा जाए खतरा बेहद बढ़ जात है और लोग ओकर गंभीरता नहीं समझें ओका मजाक बनाए रहे हैं। किंतु कोरोना केहू का मजाक नहीं बनावे, कोरोना ऐसा मजाक बनावत है कि फिर आइसोलेशन वार्डे तक ले जात है, जो बेहद एक बड़ी और सोचनी विषय है कि आखिर हम कोरोना का मजाक काहे समझ लागे। लोग ठीक हो रहे हैं, बेहतरी बात यह है कि समय में उनकर जानकारी प्रशासन का उपलब्ध हो जाती, जांच हो जाती, ऐसे उनकर संक्रमण मतलब इम्यूनिटी पावर बढ़ाए के उनकर संक्रमण दूर कर दिन जाते है। किंतु यदि देरी हो गए तो फिर शायद एक बेहद खतरनाक स्तर में यह कोरोना पहुंच जाता है और जो बेहद चिंतनीय हो जात है। तो सीधी माँ आज के दिन 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जौने माँ एक संविदाकार के धर्मपत्नी और दूसरे एक पटपरा के मतलब कमरजी थाना अंतर्गत पटपरा के 48 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि यदि जांच सही समय में हो जाए तो जान बचाई जा सकती थी और ओमा अब सतर्कता बेहद जरूरी है। ऐसे आपन बहुत ख्याल रखी, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखी और साथ में औरन का शिक्षा दे समझाई जे यह कोरोना का हल्के से ले रहे हैं। काहे कि कोरोना केहू का हल्के से नहीं ले, यदि अपना हल्के से ले तो अपना हल्के हो सकी थे। ऐसे यह ध्यान जरूर रखी
कि कोरोना एक वैश्विक महामारी आए। इटली, ईरान, अमेरिका, रूस, फ्रांस ये सब प्रताड़ित हुए हैं। ऐसे यह न सोचब कि भारत के लगे कौनों बहुत सुपर पावर ही भरतो एक यह कोरोना जैसा वैश्विक महामारी के जद में आ चुका है, जो बेहद चिंतनीय विषय है। सरकार कहो न कहो अनलॉक टू फेज शुरू जरूर करी नहीं, किंतु आर्थिक गतिविधि खातिर ना कि मौज मस्ती खातिर। ऐसे एका बिल्कुल मजाक न समझी, नहीं मजाक बनी जाब और मजाक बनब तो फिर अपने साथ अन्य लोगों के जान के साथ खिलवाड़ो कह सकी थे। ऐसे बेहद सतर्क हुई जी, बेहद सावधान हुई जी और तीन ठे मंत्र हैं, मास्क लगाई और सामाजिक दूरी के पालन करी, हाथ सैनिटाइजर साबुन से धोबत रही और आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।